हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और हमारी जो सीरीज चल रही है माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट की, उसमें आज अपना टॉपिक है चूइंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट, यानी चबाना और लेहन प्रकार का, चबाना और चाटने प्रकार का जो माउथ पार्ट है वो कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है। वो हेमिप्टेरा के सदस्य में पाया जाता है। हेमिप्टेरा में कौन से इंसेक्ट आते हैं? हनी बी एंड वास्प, यानी मधुमक्खियां और ततैया जो है ये किसमें आते हैं? हेमिप्टेरा में। तो मधुमक्खी और ततैया के अंदर जो माउथ पार्ट होता है वो किस प्रकार का होता है? च्यूइंग एंड लैपिंग, चर्ण और लेहनकारी, यानी चबाना और चाटने प्रकार का माउथ पार्ट जो है वो पाया जाता है। मधुमक्खी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किया गया है माउथ पार्ट का, तो यहाँ पर ये डायग्राम है, हम इसको ईच माउथ पार्ट के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। ये इसका हेड वाला पार्ट है, ऑसिलाई, और ये कंपाउंड आईज एंड अपियर ऑफ एंटीना, जो एक इंसेक्ट का कैरेक्टर होता है कि हेड में कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, एक जोड़ी एंटीना पाया जाता है ना। अब हम लेते हैं माउथ पार्ट में, शुरुआत करते हैं अपर लिप। अपर लिप यानी कि लेब्रम, ये लेब्रम ये इतना सा जो पार्ट है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा प्लेट के जैसी संरचना जो है ये क्या कहलाता है? लेब्रम, अपर लिप। लेब्रम स्मॉल होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। माउथ कहाँ होगा? वेंट्रल साइड में, हेड के वेंट्रल साइड में। लेब्रम के दोनों साइड में अटैच है मैंडिबल, तो यहां पर हम लेते हैं मैंडिबल। मैंडिबल जो है, इस जबड़े का मुख्य काम क्या होता है? काटना, ठीक है। तो यहां पर मैंडिबल जो है आप यहां देख रहे हैं छोटी साइज के हैं, लेकिन जो वर्कर जो हनी भी होती है उनका जो माउथ पार्ट होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि जो भी ज्यादातर जो फंक्शन करना होता है छत्ते में वो किसके द्वारा किया जाता है? छत्ते में या बाहर वो किसके द्वारा किया जाता है? वर्कर के द्वारा किया जाता है, वर्कर हनीबी के द्वारा। तो ये मैंडिबल जो है ये साइज में छोटे होते हैं पर बहुत काम के होते हैं। ये मैंडिबल, एक जोड़ी मैंडिबल जो लेब्रम के दोनों साइड में अटैच है। मैंडिबल के बाद में हम लेते हैं मैक्सिला। मैक्सिला जो है यहाँ पर आप देखें, मैक्सिला जो है जिसको हम सेकंड पेयर ऑफ जॉ भी कह सकते हैं, यहाँ मैक्सिला में ये आप यू शेप का जो देख रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका बेस वाला जो पार्ट होता है प्रोटोपोडाइट, उसका भाग है कार्डो और स्टाइप। ये कार्डो और ये स्टाइप वाला पार्ट है, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ मैक्सिला, कार्डो और स्टाइप हो गया इसके प्रोटोपोडाइट में। उसके बाद में यहां पर आप देखें मैक्सिलरी पल्प जो है वो बहुत छोटी है साइज में, मैक्सिलरी पल्प बहुत छोटी है साइज में, लेकिन जो गेलिया वाला पार्ट है, ये गेलिया वाला पार्ट जो है ये बड़ा है। तो गेलिया वाला जो पार्ट है ये ब्लेड के जैसी संरचना बनाता है। किसके जैसी बनाता है? ब्लेड के जैसी संरचना। तो यहां पर हम ले मैक्सिला, मैक्सिला के अंदर क्या बताया हमने? ये कार्डियो वाला पार्ट दोनों का संयुक्त है, स्टाइप छोटा है साइज में, मैक्सिलरी पल्प हाईली रिड्यूस्ड पार्ट है, गेलिया वाला पार्ट बड़ा है, वेल डेवलप्ड है और ब्लेड के जैसी संरचना बनाता है। अब हम लेते हैं लेबियम, लोअर लिप। लोअर लिप जो होता है ये हाईली डेवलप्ड होता है हनी बी में, स्पेशली वर्कर जो हनी बी होती है उनके अंदर जो लेबियम यानी लोअर लिप है वो हाईली डेवलप्ड होता है, और वो रिट्रैक्टाइल यानी कि बाहर निकाला जा सकता है और अंदर सब किया जा सकता है। ये जो आप बीच का पार्ट देख रहे हैं, ये जो जो बीच का सेंटर वाला पार्ट है, ये पार्ट है इसका लेबियम, यानी लेबियम वाले पार्ट में सबसे पहले हम लेते हैं इसका प्रोटोकोडाइट वाला पार्ट। उसमें ये ट्रायंगुलर शेप की छोटी सी जो संरचना है ये है सबमेंटम। उसके बाद में ये जो येलो कलर का यहाँ दिखाया गया है ये है मेंटम। तो सब मेंटम और मेंटम इसका कौन सा हिस्सा बनाता है? प्रोटोकोडाइट का भाग। सब मेंटम और मेंटम के बाद में यहां पर ये दोनों साइड में आप व्हाइट कलर का जो पार्ट देख रहे हैं ये है पैराग्लोसा। तो पैराग्लोसा रिड्यूस्ड है, छोटा है, और सेंटर में आप देखें ये ग्लोसा। तो ग्लोसा वाला जो पार्ट है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, और ग्लोसा वाला जो पार्ट है ये जीभ का निर्माण कर रहा है, टंग का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ आप देखें ग्लोसा टंग का निर्माण कर रहा है, या हम कह सकते हैं लिंगुला का निर्माण कर रहा है, और ये पार्ट रिट्रेक्टाइल है। रिट्रेक्टाइल मतलब वापस से खींचा जा सकता है,
और यहां से सक किया जा सकता है। किसको सक किया जाता है? जो नेक्टर है, फूलों का रस चूसती है, तो उस रस को चूसा जा सकता है, ऊपर की तरफ सक किया जा सकता है। तो ये रिट्रेक्टाइल है, टंग अपने आप में रिट्रेक्टाइल पार्ट है, ग्लॉसा अपने आप में रिट्रेक्टाइल पार्ट है। और इसका फंक्शन क्या है? कलेक्ट पॉलन ग्रेन्स, फूलों में से पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना और उसका जो रस है उसको चूसना। यहाँ आप देखें, ये जो ग्लॉसा वाला पार्ट है, इसके एंड वाले पार्ट में एक संरचना बन रही है, ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये जो स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हनी स्पून। तो ये वो वाला पार्ट है जिसकी सहायता से ये पॉलन जो ग्रेन्स है उनको कलेक्ट करेगा और हनी फॉर्मेशन में हेल्प होगा इससे। तो ये जो स्पून लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है लेबिलम। और यहाँ इसी वाले पार्ट में, यानी लेबियो वाले पार्ट में ही लेबियल पल्प, ये दोनों साइड में क्या दिखा रखा है? लेबियल पल्प, ठीक है। तो यहाँ जो है हमें इस डायग्राम में क्या क्या बताना है? अपर लिप, लेब्रम, छोटा प्लेटलेट स्ट्रक्चर है जिसके दोनों साइड से अटैच है मैंडिबल। मैंडिबल साइज में छोटे हैं लेकिन इसका बहुत फंक्शन है, अभी हम वो डिस्क्राइब करेंगे। मैंडिबल के बाद में मैक्सिला, मैक्सिला के अंदर ये कार्डो वाला पार्ट है, ये एक जोड़ी मैक्सिला है, ये स्टाइप वाला पार्ट है। मैक्सिलरी पल्प हाईली रिड्यूस्ड है लेकिन गेलिया वाला पार्ट बड़ा है, डेवलप्ड है, ब्लेड के जैसा है। लेबियम, लेबियम लोअर लिप जो है वो हाईली डेवलप्ड है और इसमें ये सबमेंटम हो गया, सबमेंटम के बाद मेंटम वाला पार्ट है। छोटे साइज के पैराग्लोसा दोनों साइड में, सेंटर में ग्लोसा, ग्लोसा वाला पार्ट जो है वो टंग का निर्माण कर रहा है, लिंगुला का निर्माण कर रहा है, ये वाला पार्ट रिट्रेक्टाइल है। और ये वाला जो पार्ट है इसका फंक्शन है पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करना और नेक्टर को सक करना। इसी के एंड वाले पार्ट में स्पून लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हनी स्पून। अब यहां पर हम लेते हैं मैंडिबल और गेलिया का फंक्शन। मैंडिबल और गेलिया का क्या फंक्शन है? मैंडिबल जहां शब्द आता है मतलब ही उसका संबंध किससे है? काटने से, काटने से संबंध है। और गेलिया भी क्या बताया था? कैसा है? ब्लेड के जैसा। तो यहां हम देखें मैंडिबल और गेलिया का क्या फंक्शन है। जो मधुमक्खियां हैं वो छत्ता बनाती हैं, हेक्सागोनल शेप का छत्ता बनाती हैं, और जो ततैये हैं, पेपर वास्प हैं, वो पेपर की संरचना का जो है वो छत्ता बनाते हैं। तो एक काम क्या है इसका? हाई फॉर्मेशन, छत्ते का जो निर्माण है वो मैंडिबल और गेलिया जो है मैक्सिला का पार्ट है, तो इनसे छत्ता निर्माण होगा। दूसरा, कटिंग इटसेल्फ आउट ऑफ द ब्रूड सेल्फ। जो हनी बी है, हनी बी के अंदर क्या होता है, लार्वा जब अंडे दे दिए जाते हैं क्वीन के द्वारा, उसके बाद बाहर से वर्कर उसको क्या है, वैक्स के द्वारा बंद कर देती है उस छत्ते को। और जब उस अंडे में से लार्वा बाहर निकलते हैं और उसके बाद में जो है उसमें जब मैंडिबल वाला पार्ट डेवलप होगा, तो वो उसको काट, मैंडिबल से उस छत्ते के बाहर के आवरण को काट कर उनको बाहर आना होता है। तो ये काटने का काम किसका होता है? मैंडिबल का, मैंडिबल और गेलिया की सहायता से जो ब्लेड के जैसी संरचना है। कटिंग इटसेल्फ आउट ऑफ द ब्रूड सेल, यानी ब्रूड सेल जो है उसके बाहर जो दरवाजा बंद कर रखा है, तो उस ब्रूड सेल को काट करके और उसमें से बाहर आने का काम, तो कटिंग वाला काम मैंडिबल का है। इसी तरह से बाइटिंग फ्लावर पेटल्स टू असेस पॉलन या नेक्टर, फ्लावर का जो पेटल वाला पार्ट है उसको भेदने का कार्य, उसको काटने का कार्य, उसको भेदने का कार्य किसकी सहायता? काटना के कार्य तो हो जाएगा मैंडिबल की सहायता से, और उसको भेदने का कार्य होगा गेलिया की सहायता से और लेबियल पल्प की सहायता से। गेलिया और लेबियल पल्प की सहायता से जो फ्लावर वाला पार्ट है उसको भेदने का कार्य, उसको भेदने का कार्य होने के बाद ही ये जो जीव वाली संरचना है ये उसके अंदर पेनिट्रेट करती है, ठीक है। तो ये हो गया बाइटिंग फ्लावर पैटर्न्स टू असेस पॉलन या नेक्टर। वर्किंग वैक्स स्केल्स इन हनीकॉम्ब्स, जो वैक्स स्केल्स है जिससे वैक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वैक्स की लेयर जमाई जा रही है या हटाई जा रही है, तो ये भी किसकी सहायता से होगा? गेलिया की सहायता से और मैंडिबल की सहायता से। डिलीवरिंग फूड टू लार्वा, लार्वा को भोजन देना, ये भी किसकी सहायता से होगा? गेलिया की सहायता से और मैंडिबल की सहायता से। ग्रूमिंग देमसेल्फ्स एंड क्विन, अपने आप की पंखों को सवारना है, अपने आप को सवारना है या क्विन को सवारना है, तो उसका काम भी किसकी सहायता से होगा? मैंडिबल और गेलिया की सहायता से। टियरिंग डाउन अनयूज्ड क्विन सेल्स, जब छत्ता बनता है तो क्विन सेल्स एक से ज्यादा बनते हैं, पहले बनाए जाते हैं,
तो जो काम में आ गया जहां पर रानी मक्खी है वो तो ठीक है, जहां रानी मक्खी नहीं है काम में नहीं आ रहे हैं तो उसको वापस से जो यूज में नहीं आया है क्वीन सेल्स उसको तोड़ने का कार्य भी किसका है, मैंडिबल और गेलिया की सहायता से। मूविंग वैक्स फ्रॉम वन एरिया ऑफ द हाइव टू अनादर, एक छत्ते से वैक्स को हटा करके किसी दूसरे छत्ते में जाना, जो पूरे जो हाइव्स जो है उनके अंदर जो वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है उनके पूरे की साफ सफाई का काम भी किसका होता है, वर्कर का। तो वो साफ सफाई वाले काम में जैसे अपन झाड़ू या चीजें काम में लेते हैं तो उस तरह से ये काम में लेते हैं मैंडिबल और गेलिया को। तो फीडिंग के लिए, लार्वा की फीडिंग के लिए, खुद की ग्रूमिंग के लिए, छत्ते के निर्माण के लिए, फ्लावर के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, और जो है ये जो अनयूज्ड क्वीन सेल्स है उनको टियर आउट करने के लिए, वैक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इन सब के लिए किसको काम में लेते हैं, मैंडिबल एंड गेलिया पार्ट ऑफ मैक्सिला, और इसके साथ साथ में लेबियल पल्प और गेलिया का जो और एक मेन फंक्शन होता है फ्लावर में से जो रस निकाल रहे हैं उस टाइम पर गेलिया और लेबियल पल्प जो है वो पेनिट्रेट करने का काम करेंगे, भेदन का कार्य करेंगे, और उनके भेदने के बाद में ये जो जीभ वाला पार्ट है, ये जो ग्लॉसिया वाला पार्ट है ये उसके अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में ये उस रस को सक करने का कार्य करेगा, और यहाँ पर ये लेबिलम जो है ये हनी स्पून की तरह कार्य करती है, यानी पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने का कार्य इस लेबिलम के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये है हनी बी का माउथ पार्ट जो किस प्रकार का है, च्यूइंग एंड लिपिंग टाइम। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप स्टेप बाय स्टेप जो है इसके फंक्शन लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।